गुड मॉर्निंग प्लसन क्लास। बेटा आज का टॉपिक हमारा रहेगा ब्रायोफाइट्स। जो फर्स्ट टॉपिक था वो एल्गी था। ब्रायोफाइट जो है ये वेरियस मॉस एंड लिवरबोट, इसकी दो वैरायटी आपने याद रखनी है, मॉस एंड लिवरबोट। ये ज़्यादातर नमी वाले एरिया या जहाँ पर छाया होती है पहाड़ों पे वहीं पर पाए जाते हैं। और इनके डायग्राम देखें, ये जो चार डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला है लिवरबोट मर्चेंटिया, जो इधर वाला है वो फीमेल और इधर वाला रहेगा मेल। और मेल और फीमेल की पहचान देख लो, दोनों पे कॉमन चीज़ है जीमा कप और एक है आर्चिगोनियो फोर, या बिगोनियो फोर और एंथेडियो फोर। डायग्राम में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा और ये ऐसे ही आपको याद रखना है, बाकी एडिटी सेम है सारा। ये तीसरा यहाँ पर फोनेरिया, ये मॉस है ये वाले, ठीक है। और मेन प्लांट बॉडी इनकी जो है वो है गेमिटोफाइटी, मतलब हैप्लोइड है और घुसमैक के डिप्लोइड भी बनते हैं ये, ठीक है। ये जो स्पैगनम है, स्पैगनम और ये फोनेरिया, फोनेरिया गेमिटोफाइटी नीचे वाला, ऊपर वाला क्या है स्पोरोफाइटी। तो मेन प्लांट बॉडी वो है गेमिटोफाइटी। ब्रायोफाइट इसको हम एम्फीबियन और प्लांट किंगडम बोलते हैं। ये मोस्टली नमी पानी में या टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पर पाए जाते हैं, मिट्टी में मिल सकते हैं, पर इनको पानी की ज़रूरत है ताकि अपनी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर सके। कि पानी के द्वारा इनके गैमेट्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे एक जगह से दूसरी जगह तक। ये डैम हुमिड एंड शेडेड लोकेलिटी में रहना पसंद करते हैं। और इम्पोर्टेंट रोल इनका है सक्सेशन। सक्सेशंस क्या होते हैं, जो लगातार बदलते रहते हैं, जैसे बेयर रॉक्स पे शुरुआत हुई इनकी सक्सेशन की। ये खाली पड़ी चट्टानों पर जो सबसे पहले तो आती है लाइकन, लाइकन के बाद दूसरा नंबर होता है इनका ब्रायोफाइट का, ताकि ये इन चट्टानों को तोड़कर और धीरे धीरे उस खाली बड़ा एरिया जो है उसको जंगल में कन्वर्ट कर दें। उसी को हम क्या नाम बोलते हैं, प्लांट सक्सेशन। इस पर काफ़ी टाइम लग जाता है, कई साल लग जाते हैं एक जंगल बनने के लिए। तो होता जरूर है बेयर रॉक्स से, मिट्टी से, जहाँ पर खाली एरिया हो वहाँ से। जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की, मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी। यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन है एल्गी का कंपेरिजन। इनके थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट या इरेक्ट, थैलस लाइक का मतलब जैसे हमने एल्गी के बारे में बताया था वैसे ही, और जो प्रोस्टेट होता है लेटा हुआ, जमीन के सारे लेटे हुए हो सकते हैं, या इरेक्ट जमीन से ऊपर की तरफ हो सकते हैं ये प्लांट। और अटैच होते हैं सबस्टेटम से पर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड। यहाँ पर जो राइजोइड है, यहाँ पर रूट नहीं है, इनके पास भी रूट प्रॉपर नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है डेट इज कॉल्ड राइजोइड, पर ये ट्रू रूट नहीं है, ये एक तरह से फॉल्स रूट ही कह सकते हो। तो रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक, ये लाइक है इनकी तरह, इनके अंदर ऑर्गन पाए जाते हैं, बाकी इनके अंदर सच्चाई कुछ भी नहीं है, सब कुछ मतलब हल्का मटेरियल कह सकते हो, या लीफ लाइक है पूरी लीफ की तरह नहीं है, रूट लाइक है तो राइजोइड्स, स्टेम लाइक भी नहीं है, मतलब स्टेम लाइक है नकली चीज़ यहाँ पर ज़्यादा है। ये वो प्लांट है। और प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लोइड है, इसलिए इनको गैमेटोफाइट बोलते हैं। सेक्स ऑर्गन जो ब्रायोफाइट के हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम, फीमेल का नाम है आर्चिगोनियम। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसमें बाई फ्लेजलेटेड एंथीरोजोइड्स, मतलब गैमिट्स निकलते हैं इसके स्पर्म में, दो फ्लेजेला होते हैं, ये बात याद रखना। और आर्चिगोनियम में एक फ्लास्क का शेप है, उसमें एक सिंगल एग होता है। एंथीरोजोइड जो बेटा वो रिलीज होते हैं कहाँ, एंथीरोजोइड आर रिलीज इन टू वाटर, ताकि वो आर्चिगोनियम के साथ जाकर कॉन्टैक्ट कर सकें। और एंथीरोजोइड जो है वो फ्यूज होंगे एग के साथ, तो क्या बनेगा, जायगोट। पर जायगोट इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं जाता, कारण क्या है कि जायगोट को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। तो मल्टी सेलुलर एक बॉडी है उसके साथ ये जुड़ा रहता है लाइक ए स्पोरोफाइटी,
जायगोट क्या बेटा, रिडक्शन नहीं जाएगा, स्पोरोफाइटी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ अभी वो अंदर ही है, और स्पोरोफाइटी है वो फ्री लिविंग नहीं है, वो उसके पास फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइटी एंड डिराइव नरिशमेंट। तो स्पोरोफाइटी के साथ ये जुड़ा हुआ जायगोट, उसको खाना मिलता है, और खाना मिलते ही वो क्या होता है, डेवलप करता अपने आप को, और सम सेल ऑफ स्पोरोफाइटी अंडर गो रिडक्शन डिवीजन। जो स्पोरोफाइटी की सेल होती हैं कुछ, वो रिडक्शन डिवीजन जाती है मियोसिस, और फिर किस में कन्वर्ट कर देती है, हैप्लोइड स्पोर के अंदर। अभी हैप्लोइड स्पोर हेलो बच्चों, बेटा जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था गैमेटोफाइटी और स्पोरोफाइटी इन ब्रायोफाइट्स। जो जायगोट बना था वो गैमेटोफाइटी के अंदर ही बनता है, ठीक है, और अब इसके बाद वो क्या बनता है, स्पोरोफाइटी। जैसे कि हमने बेटा बताया कि जायगोट गैमेटोफाइटी के अंदर ही रहेगा, अभी गैमिट्स से जायगोट बना था, पर जायगोट इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं जाता जब तक वो एक मल्टी सेलुलर बॉडी स्पोरोफाइटी नहीं बना देता। ये बातें हमने यहाँ पढ़ी थी, और उसके बाद ये स्पोरोफाइटी फ्री लिविंग नहीं है, ये जुड़ा होता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइटी के साथ अपना नरिशमेंट लेने के लिए। फिर कुछ स्पोरोफाइटी की सेल रिडक्शन डिवीजन जाती हैं मियोसिस। आई थिंक मियोसिस का पता होगा कि जब क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं उसमें हम क्या नाम बोलते हैं, मियोसिस, और हैप्लोइड स्पोर बनते हैं। जब ये वाले स्पोर यहाँ से निकलेंगे, मेन स्पोरोफाइटी का जो पार्ट है कैप्सूल, और जहाँ भी गिरेंगे ना वहीं पर, वहीं से जहाँ स्पोर गिरेंगे बेटा यहाँ से, तो दोबारा से एक प्लांट पूरा जनरेट हो जाएगा। मीन्स ये मिट्टी के अंदर गिरेंगे या पानी के अंदर, जहाँ पर भी ये फोल्ड डाउन होंगे वहीं से एक नया प्लांट शुरू हो जाए, जर्मिनेट हो जाएगा ब्रायोफाइट का। ब्रायोफाइट आमतौर पर इनकी लिटिल इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस है, और जो मोस्टिस बताए हमने यहाँ पर सिर्फ हर्बेशियस एनिमल चारा के लिए, बर्ड्स और अदर एनिमल के लिए। यहाँ पर एक स्पेगनम जो प्लांट आया था, ये वाला स्पेगनम, ये जो प्लांट है मेनली प्रोवाइड ए पीट। ये पीट का मतलब है एक तरह से फ्यूल, जलाने के काम आता है, या फिर इसको पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। जब लिविंग मटेरियल को ट्रांसशिप करना हो तो उसके अंदर ये ये स्पेगनम है वो ऐड किया जाता है, और इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो अच्छी होती है। जो मोसिस लाइकन के साथ ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्लोनाइज रॉक्स बनाती हैं, और एक ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में प्ले करती हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था बेटा, सक्सेशन, पहले आती है लाइकन, ग्रो होती हैं लाइकन, चट्टानों को धीरे धीरे तोड़ती हैं, जैसे ही रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं उसके बाद बेटा ये मोसिस आ जाते हैं, मतलब ब्रायोफाइट आ जाते हैं, और पूरे एक सक्सेशन शुरू करने में मदद करते हैं। तो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मतलब ये सक्सेशन की बात बता रहा है। दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सब्सट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ, मतलब लाइकन चट्टानों को तोड़ देती हैं, या दोनों मिलकर, पहले लाइकन फिर ये मोसिस आएंगे या ब्रायोफाइट, ताकि और प्लांट के लिए ग्रोथ करने में मदद मिल सके। जो मॉस होते हैं फ्रॉम डेंस मैट ऑन ए सोइल, जो मॉस होते हैं डेंस, जो इनकी मैट आ जाती है एक तरह से, घास घूस जो होती है वो इसी के अंदर ही आते हैं, घास तरह ही होते हैं ये, डेंस मैट ऑन सोइल। और जैसे ही क्या करती हैं, ये रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रेन एंड प्रिवेंट सोइल इरोजन को नहीं होने देती। ये इसका मे बी बेनिफिट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सोइल इरोजन को नहीं होने देंगी ये। और ब्रायोफाइट्स को डिवाइडेड किया गया है किसमें, लीवर वॉट एंड मॉस के अंदर। जैसे बेटा हमारा लीवर वॉट्स जो है, जहाँ पर हमने एग्जांपल बता दें मर्चेंटिया का, मेल फीमेल यहाँ पर अलग होते हैं, फीमेल थैलस मेल थैलस ऊपर की तरफ देखें, लीवर वॉट हैं ये भी नमी या छाया वाले इलाके में ही ग्रो कर पाते हैं, और बैंकों स्ट्रीम्स नदियों के किनारे या मार्शी दलदली ग्राउंड हो, या मिट्टी गहरी मिट्टी नमी वाली मिट्टी हो, पेड़ों की बार्क पर या लकड़ी के अंदर तक ग्रो हो जाते हैं। मेन प्लांट बॉडी इनकी थैलोइड है, ना रूट है ना शूट है, दैट इज थैलोइड। जैसे एग्जांपल मर्चेंटिया का जो थैलस है, जो मेन पार्ट इसका लीफ लाइक की तरह है, वो डोर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड है सबस्ट्रेटेड, और डोर्सीवेंट्रल मतलब पीछे की तरफ और थोड़ा सा जमीन के साथ ही अप्रेस्ड है, सबस्ट्रेट का मतलब जमीन अप्रेस दबा हुआ। जो लीफी मेंबर्स हैं, टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेज हैं इसमें दो रो के अंदर,
ऑन द स्टेम लाइक, देखो एक ऊपर है एक नीचे, ये फीमेल का एक ऊपर एक नीचे, एक लीफ रो लाइक बता रहे हैं यहाँ पर, टू रो ऑन ए स्टेम लाइक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर के अंदर फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, में ये अगर टूट जाती है बॉडी तो जहाँ भी गिरेगी नया पार्ट शुरू हो जाएगा, या नहीं तो फिर एक पार्ट और है जट ये स्पेशल स्ट्रक्चर जिसका नाम है जीमा, जट ये जीमा, जीमा इज अ सिंगुलर, जीमा का नाम बोला जाता है। ये ग्रीन कलर के, ये देखो ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर हैं यहाँ पर, ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड और रिसेप्टिकल्स हैं, और जीमा कप ज़्यादातर थैलाई के ऊपर पाए जाते हैं। जो जीमे है ये जब ये डिटैच अलग होते हैं मेन प्लांट बॉडी से, तो जहाँ भी गिरेंगे जर्मिनेट होके नया इंडिविजुअल तैयार होगा। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाती है तो मेल और फीमेल, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं आइदर ऑन ए सेम या ऑन डिफरेंट थैलाई, मतलब बाईसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल ये हो सकते हैं। और स्पोरोफाइटी जो डिफरेंशिएटेड होते हैं इनटू रूट, फूट एंड कैप्सूल, फूट सीटा कैप्सूल, मियोसिस के दौरान स्पोर बनते हैं कैप्सूल के अंदर और ये स्पोर जर्मिनेट होंगे और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनेंगे। पर यहाँ पर डायग्राम के अंदर ये फूट सीटा कैप्सूल गिवन नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर वाले में फूट सीटा कैप्सूल नहीं है, ये सिर्फ नीचे वाले में मिस मोसिस के अंदर फूट या फूट सीटा कैप्सूल गिवन है, पर यहाँ पर भी ऐसा बनता है, पर वो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट में लिखा गया है कि डायग्राम नहीं गिवन, डायग्राम आपको गिवन है किसका, मोसिस का, डट या फुनेरिया। अब जो मोसिस है प्रीडोमिनेंट स्टेज है इसकी लाइफ साइकिल मोस की, वो गैमेटोफाइटी है। दो स्टेज है इसकी, फर्स्ट स्टेज को हम नाम बोलते हैं प्रोटोनिमा, और प्रोटोनिमा जो है वो डायरेक्टली स्पोर से ही पैदा होते हैं, जैसे स्पोर गिरा जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ डेटिकल प्रोटोनिमा। ये क्रीपिंग करता है, रेंगता है, ग्रीन है, ब्रांच कलर ब्रांच होता है और ग्रीन कलर है इसका, फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है, धागे की तरह होता है ये। जो सेकेंड स्टेज जब आती है इसकी, लीफी स्टेज, लीफ की तरह बनता है, और ये जब लीफ की तरह बनता तो इसका नाम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। जो स्पोर से बना था उसका नाम था प्राइमरी प्रोटोनिमा, वो लीफ लाइक था, क्रीपिंग था, ग्रीन था, तो डैट ये प्रोटोनिमा। अब जब लीफ आने लग जाती है तो कहाँ से, वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। और ये जो होते हैं ये अपराइट सिलेंडर एक्सिस पतले हो सकते हैं, स्पाइरल अरेंज लीफ हो सकते हैं, सांप की तरह घुमावदार। उसके बाद ये वाले जो प्लांट हैं अटैच होते हैं सॉइल से, मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजोइड से। यहाँ पर जो स्टेज भी है सेक्स ऑर्गन, जब वो पूरी तरह डेवलप हो जाता है सेक्स ऑर्गन आ जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोडक्शन मोसिस के अंदर फ्रेगमेंटेशन है, ये बडिंग रहेगी, बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा उसी के अंदर कोई बड बनती होगी और वहीं टूटेगा तो नया प्लांट तैयार होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, ये एपेक्स पर मतलब प्लांट के लिए ऊपर पाए जाते हैं लीफी शूट पर। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, वो स्पोरोफाइटी में कन्वर्ट हो जाता है, और वहीं से जायगोट के बनने के बाद फूट सीटा कैप्सूल बनते हैं। अब जो स्पोरोफाइटी जो मोसिस के अंदर थोड़ा एलोवरेट दे रखा है देन लीवर बोर्ड से, वहाँ पर ऊपर नहीं था, यहाँ पर थोड़ा बताया जाता है। कैप्सूल जो दे रखा है यहाँ पर होते बेटा मियोसिस की डिवीज़न होती है और इसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, और यहाँ पर ये जो स्पोर बनेंगे जहाँ पर भी गिरेंगे वहीं पर एक नया प्लांट प्रोड्यूस होगा। इसके फुनेरिया, पोलिट्रिकम एंड स्पैगनम ये वाले एग्जांपल्स हैं। बेटा आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा ब्रायोफाइट्स का है। अब जो ट्रिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, ये दो टॉपिक हैं, थोड़े और लिटल कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, पर ये ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, पर हाँ इम्पोर्टेंट ज़रूर है, इसके बारे में समझना ज़रूरी है, तुम्हें आना भी चाहिए। तो बेटा आज का टॉपिक आपने ब्रायोफाइट्स करना है, फिर मैं ब्रायोफाइट्स के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ढंग से इनको तैयार कर लेना, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।